हेलो, मैं होली आपका दोस्त, नाम है मोटिवेशनल स्पीकर, नाम है बिजनेस कोच। मुल्क के अंदर जो सैलाब की सूरत हाल चल रही है वो आप सबको पता है, लेकिन यहाँ पर जो एक स्कैम हो रहा है, लिचड़ किस्म के लोग, नीच किस्म के लोग और ऐसे लोग जिनको कुछ भी हो जाए, मुल्क डूब जाए, लोग मर जाए, जो भूखे रोडों पे आ जाए, घर चले जाए, मवेशी चले जाए, सब चले जाए, लेकिन उनको अपना स्कैम करना होता है, उनको जो है ना अपनी पख कहीं पर लड़ानी होती है, कहीं ना कहीं स्कैम करके पैसे बनाने होते हैं। इसी तरीके के स्कैम इस वक्त कराची के अंदर शुरू हो गए। लोग जो है वो डब्बे लेकर जो है ना वो एक दूसरे के पास सिग्नल्स के ऊपर खड़े हुए और भाई एक रुपया डाल दें सैलाब ज़दगान के लिए, 10 रुपए डाल दें। आप उनसे पूछे आप कौन सी एनजीओ से, कुछ नहीं पता। आप किसके लिए काम कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। हम तो ऐसे काम कर रहे हैं, हम तो कॉलेज के लड़के हैं, हम तो यूनिवर्सिटी के लड़के हैं, हम तो बड़ा बड़ा स्कूल से हैं। और नहीं भाई, ऐसे करोगे तो अब एक ऐसा स्कैम शुरू हो जाएगा कि वहां तक तो कुछ पहुंचेगा ही नहीं। अब देखे ना लोगों ने देखा 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपए का चंदा जमा हो रहा है, क्यों ना हम भी रोडों पर देख रहे। हर बंदा वीडियो देख के परेशान है, हर बंदा वहां के हालात देख रहा है, हर बंदा चाह रहा है कि मैं कुछ ना कुछ डोनेट कर दूं, कुछ ना कुछ डाल दूं। अगर आप भी कुछ डालना चाह रहे हैं, कोई डोनेशन देना चाह रहे हैं, खुदारा कोई वेरीफाइड एनजीओ को दें जिस पे आपको भरोसा हो कि हाँ ये पैसा वहां तक पहुंच रहा है। एक स्कैम यहाँ पर ये भी चल रहा है कि इजी पैसा का नंबर आपको व्हाट्सएप के ऊपर आ रहा है कि सैलाब ज़दगान के लिए 10 रुपए डाल दें, सैलाब ज़दगान के लिए 1 रुपए डाल दें। नहीं करना आपने ऐसे बंदे को। अगर आप उस बंदे को नहीं जानते, वेरीफाइड नहीं है, नंबर नहीं पता किसका है, आपने उसको सेंड नहीं करना। आप जाके दावत इस्लामी को दें, आप जाके जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो उस पर काम कर रही है आप उनको दें। ये ऑर्गेनाइजेशन ही है भाई जो वहां तक पहुंचाएंगी ये जो रोडों पर लोग घूम रहे हैं, ये स्कैम कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग दोस्त यार आपस में पैसे जमा करके राशन इकट्ठा करके सिंह साइड को भेजा रहे हैं, वो एक चीज और भी देखें कि अंदर आप लोग बोर्ड तक नहीं पहुंच पा रहे, रोड के ऊपर फुटपाथों के ऊपर आपका सामान बढ़ जाता है, वो मांगने वाले भी कुछ ना स्कैमर आके रोडों पर बैठ गए। वो आएंगे आपकी गाड़ी रोकेंगे, आपको दास्तानें सुनाएंगे, हमारे बच्चे बह गए, घर बह गए, मवेशी बह गए, 5 बेटियां बह गए, 2 बेटे बह गए, 4 जानवर बह गए, 4 भैंसे बह गई, लाओ भाई हमें भी दे दो कुछ ना कुछ, और आप वहीं पर ही पिघल के सब कुछ जो है वो देकर आ जाएंगे। बाकायदा ये जो एनजीओ होती है ना, किस तरीके से काम कर रही होती है, ये वहां के लोगों के साथ मिलके, वहां के मस्जिदों के इमामों के साथ मिलके, वहां के जो गांव की जो पूरी कमेटी बनी हुई है उनके साथ मिलके फिर उनसे वेरीफाइड करवाती है, लिस्टें लेते हैं कि आज ये बंदे हैं, इनके बाकी में भय, इनके घर गए। देख खाने का कोई मसला नहीं है, खाना आप हर रोड वाले बंदे को खिलाते हैं, हर चलते फिरते बंदे को आप खाना खिलाते हैं, कराची में भी खिलाते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ बड़े कामों की, लाइक आपने घर बना के देना है, आपने 50,000 रुपए देना है, आपने 1,00,000 रुपए देना है, आपने कारोबार करवाना है, आपने से देनी है, आपने घर देने हैं, तो आपने ये चीजें वेरीफाइड करके देनी है। स्कैम बहुत ज्यादा चल रहे हैं, अल्लाह ने आपको नरम दिल दिया है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपने केस को वेरीफाइड करने बगैर जो है ना किसी की भी मदद नहीं करनी है। या सिंपली हाल इसका आपने सारी पंचायतों से अगर बचना चाहते हैं तो आप किसी भी ट्रस्टेड वेरीफाइड ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओ को जो है पैसे दे दें, वो आपके आपका जो माल है, आपकी अमानत जो है वो उन तक पहुंचा देंगे। हर ऐसे कह रहे हर बंदे को आपने जो पैसे नहीं देना, इस स्कैम से आपने खुद भी बचना और दूसरों को भी बचाना और करते रहे मदद, बहुत ज्यादा जरूरत है। करोड़ों लोग जो है ना वो रोडों पे बैठे हैं, रोजाना जो है ना करोड़ों की तादाद में रोटी और चावल जो है ना वहां पे लोगों को जिंदा रहने के लिए चाहिए, बिस्किट चाहिए, पानी चाहिए, डोनेट करते रहे, आपको कोई मना नहीं कर रहा। केस को वेरीफाइड करें और डोनेट करें, और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उस मालिक ने जो है ना जब आधे से ज्यादा पाकिस्तान डूबा हुआ है, आप और मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, आप यूट्यूब पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं, घर के अंदर देख रहे हैं, ऑफिस में देख रहे हैं, आपकी जिंदगी वैसी की वैसी चल रही है, आपकी जिंदगी आगे पीछे नहीं हुई है। देते हैं 15,000 की भी नौकरी करते ना 1,000 दे देंगे, देने का टाइम है, ये दिल बड़ा करने का टाइम है, ये राय खुदा में खर्च करने का टाइम है। इंशाल्लाह आप खर्च कर दें और जब ये आता है ना मल्टीप्लाई होके तो फिर इंसान परेशान हो जाता है, ये कहां से आ रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।